राधे एक वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना होगा। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने भगवान को ही अपना गुरु बना लिया। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा है, तो भोले भाले ग्रस्ती लोग समझ नहीं पाते हैं वास्तविक संत कौन है। तो वो लोग क्या कहते हैं, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हमने तो भगवान को ही गुरु बना लिया। तो देखिए, भगवान को गुरु बनाने से काम नहीं बनेगा। और आप लॉजिक भी देते हैं, भाई श्री कृष्ण, अर्जुन ने भी तो श्री कृष्ण को गुरु बनाया था। देखिए, अर्जुन और श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, ये अर्जुन कौन है? अर्जुन को पूर्व जन्म में भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। ये अर्जुन अज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं अर्जुन। ये तो महापुरुषों के नेता हैं और श्री कृष्ण तो भगवान है ही। तो ये भगवान और महापुरुषों की बातें आप छोड़ दीजिए। अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये हमारे लिए सिद्धांत नहीं, हम तो मायाबद्ध जीव है ना। और अर्जुन भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, वो अज्ञानी की एक्टिंग कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान की शरणागति हम नहीं कर सकते, या यूं कह लीजिए डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। मैंने एक दिन आप लोगों को राधा गोविंद गीत के माध्यम से समझाया था, हरि कृपा गुरु मिले गोविंद राधे, और गुरु कृपा हरि मिले सबको बता दे, और गुरु की कृपा मिलू, गुरु की कृपा मिलू गोविंद राधे, कोटि साधन करू हरि का चुना दे। बिना गुरु बनाए आप कितनी भी साधना कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी तप कर लीजिए, सब 0/100। तो कल मैंने बताया, अगर किसी को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की ही शरण में जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं। अरे संसारिक उदाहरण से भी समझ लीजिए, संसार में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, कलेक्टर है, तो आप डायरेक्ट उससे नहीं मिल सकते, पहले उसके पीए से मिलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर आप उस ऑफिसर से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसे ही आम व्यक्ति जाकर प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से या किसी बहुत बड़े ऑफिसर से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। ऐसे ही भगवान कहते हैं, भाई मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, पहले मैंने जो अपने पीए भेजे हैं, अपने एजेंट भेजे हैं, अपने जो जन भेजे हैं, उनकी शरण में जाओ, जो कुछ मिलेगा उनके केयर ऑफ ही मिलेगा, डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो ये वाली बात तो आप जानते ही हैं, मैंने शास्त्र वेदों से बताई और आप साधारण भाषा में बोल लेते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना दान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई, जिस मंत्र में, जिस श्लोक में ये कहा गया गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, उसी मंत्र में, उसी श्लोक में ये भी बताया गया है वह गुरु कैसा हो, जिसके विषय में मैंने बताया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। नंबर 1, शास्त्र वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो। नंबर 2,
भगवत प्राप्ति कर चुका हो, भगवान का दर्शन कर चुका हो, भगवान का साक्षात कर चुका हो, ऐसे वास्तविक संत से हमारा काम बनेगा। क्योंकि जिसने स्वयं भगवान का दर्शन नहीं किया वो हमको क्या कराएगा। सीधी सी बात है, मान लीजिए आपको धन चाहिए और आप एक भिखारी के शरणागत हो गए, तो भिखारी आपको क्या देगा। अरे जो भीख में मांग कर उसने 100, 200, 300 रुपया इकट्ठा किया है वो आपको दे देगा, जो उसके पास है वही तो देगा। और ज्यादा कृपा करेगा तो क्या करेगा, वो भीख मांगने वाला कटोरा आपको दे देगा। और क्या करेगा, अरे भाई धन चाहिए तो धनवान की शरणागति करनी होगी। तो ऐसे ही जिसने स्वयं भगवान का दर्शन कर लिया हो, साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे वास्तविक महापुरुष से हमारा काम बनेगा।